हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुप्रीत और आप देख रहे हैं बॉनिफाइड रिव्यूज़। यहाँ मैं रिव्यू करती हूँ नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, फूड्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत कुछ। आज मैं रिव्यू करूँगी एक जेल फेस मास्क, जो कि जेल फॉर्म में है और वो है, ब्रांड है नेचुरल बाथ एंड बॉडी जेल फेस मास्क, ग्रेपफ्रूट एंड विटामिन सी, योर इंस्टेंट लाइटर वाइटर एंड ब्राइटर फिक्स। ये बॉटल कुछ, ये टब कुछ ऐसा दिखता है। इसकी डिटेल्स मैं पहले ही थोड़ा बता देती हूँ आपको। ये है 100 ml और इसकी प्राइस है 325 rupees और इसकी शेल्फ लाइफ है 24 months, मतलब 2 साल। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा पतला पानी जैसा, बहुत ही फ्लोई लिक्विडी है, तो बहुत मुश्किल है इसको फेस पे लगाना क्योंकि आप ब्रश से नहीं लगा सकते, टप टप टपकता रहता है। अब अपने फिंगर्स से लगाते हैं अगर ये फेस मास्क तो आपका पूरे हाथ गंदे हो जाते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए थी, बहुत ही पतला चिपचिपा फेस मास्क है ये। इसकी प्रॉब्लम है कि बहुत, इसकी स्मेल बहुत अजीब है, ना ये फ्रूटी है, ना वो हर्बल है, ना ये सेंट अच्छा सेंट है। एकदम आप टब खोलोगे अचानक से जैसे केमिकल्स, जैसे ख़राब फ्रूट की स्मेल होती है, जो फ्रूट या सब्ज़ी ख़राब हो जाती है वैसी सी इसमें से स्मेल आती है। तो इसकी स्मेल बिल्कुल बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक स्मेल नहीं है। कंपनी को इट शुड वर्क ऑन द फ्रेगरेंस, मतलब डेफिनेटली दे शुड वर्क ऑन द फ्रेगरेंस। इसकी अगर स्मेल बेटर करी जाए तो आई थिंक इट विल बी अ गुड प्रोडक्ट। जैसे हम इसे अप्लाई करते हैं स्किन पे, मैंने 3-4 बार आई ट्राइड कि शायद मेरी स्किन पे कुछ रैश होगा या शायद पिंपल होगा, पर जैसे ही हम इसे अप्लाई करते हैं स्किन बहुत ज़्यादा जलने लगती है। ऐसे लगता है अगर आपने कभी ब्लीच किया हो अपने फेस को, जैसे ब्लीच का इफ़ेक्ट आता है, एकदम जलन ऐसे आपकी उस पर कुछ होता है फील आपकी स्किन के अंदर कि कुछ तो हो रहा है, जल रही है, इरिटेट हो रही है स्किन, वैसा इस जेल फेस मास्क से इफ़ेक्ट आता है। अब मुझे ये श्योर नहीं है कि इन्होंने ऐसा क्या इंग्रेडिएंट्स डाला है जिससे जल रहा है, क्योंकि नेचुरल बाथ एंड बॉडी तो एक बहुत ही ऑर्गेनिक ब्रांड है जो कि पैराबिन, SLS कुछ यूज़ नहीं करता है। बट इस जेल फेस मास्क में ऐसा क्या है, क्या केमिकल या क्या प्रोडक्ट उन्होंने, कंपनी ने डाला है जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है आपको। अच्छे इफेक्ट आने के चक्कर में आपकी स्किन, मेरी जब भी मैंने इसे अप्लाई किया है स्किन पे, मुझे बहुत ही लाल लाल छोटे 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 रैशेज दाने से उसके बाद इसको उतारने के बाद, निकालने के बाद दिखते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है, इरिटेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है इसकी। और जिसकी एक्ने प्रोन स्किन है उसको तो बिल्कुल भी ये फेस मास्क मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये फेस मास्क सेंसिटिव स्किन के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत ही नॉर्मल स्किन है, ना एक्ने प्रोन है, ना ज़्यादा ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन है। बट इतना जलता है कि आपको तुरंत मन करता है कि आप ठंडे पानी से बस धो लीजिए और उसके बाद रोज़ वाटर लगा लीजिए अपने फेस पे, या कुछ ऐसा जो एलोवेरा जेल जैसा जो कि आपके फेस को ठंडा कर दे। तो पैकिंग वाइज टब है, ठीक है, बट देन काम इट डजंट वर्क। आप लगाने के बाद भी, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी अगर आप देखें इसके रिजल्ट्स, तो इसके ऐसे कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स नहीं है कि चलो अगर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम चलो बर्दाश्त भी कर लें कि अच्छी स्मेल नहीं है, चलो इट्स ओके, या जेल है ठीक है किसी भी तरह लगा लेंगे, या जल रही है स्किन तो चलो बर्दाश्त कर लेंगे। जब इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है तो आई डोंट थिंक हमें इतना सारा कुछ बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। प्राइस में भी, व्हेन इट कम्स टू प्राइस में भी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। 325 rupees एक फेस मास्क के लिए अगर हम पे कर रहे हैं तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आएँ। ऑर्गेनिक है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी स्किन पे माइल्ड हो, और सिंस अगेन ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी जो खुशबू हो बहुत ही नेचुरल, माइल्ड, नेचुरल चीज़ों की खुशबू हो, केमिकल्स की खुशबू ना हो। तो मैं इस प्रोडक्ट को रेट करूँगी
टू आउट ऑफ टेन मेरा हर बार का एक्सपीरियंस इस जेल फेस मास्क से बहुत ही ख़राब रहा है। काफ़ी टाइम से, जब से मैंने ख़रीदा है, 3-4 बार यूज़ किया, उसके बाद ही ऐसे ही पड़ा है। मुझे नहीं पता मैं अब इसका क्या करूँगी, मैं फेंक ही दूँगी इसको, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका पेडिक्योर मैनिक्योर मैं ट्राई करूँगी कि अगर ये ना जले तो। हाँ, एज अ फुट मास्क आई ट्राई टू अप्लाई। मैं कभी आई वुडंट रीपर्चेज दिस प्रोडक्ट, कभी मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी। नेचुरल बाथ एंड बॉडी एक अच्छा ब्रांड है, पर पता नहीं क्यों इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब बिल्कुल भी किसी भी बॉडी पार्ट पे मैं रेकमेंड नहीं करूँगी आपको लगाने के लिए। आपकी स्किन सेंसिटिव है, नॉर्मल है, सुपर ड्राई है, सुपर ऑयली है, आई डोंट थिंक ये किसी को भी सूट करेगा। आज के लिए बस इतना है, देखते रहिए बॉनिफाइड रिव्यूज़। आई लव यू।